इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में आज हम सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पेपर करेंगे जो कि 2021 का ही सीबीटी एग्ज़ाम पेपर है। तो ये एक मॉडल पेपर भी है जो आपके सितंबर में एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए, इसमें से आपको 70-80% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं टेक स्टडी आईटीआई पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर आपको स्टडी अपडेट आईटीआई की, साथ ही आईटीआई की रिलेटेड जॉब्स एंड अप्रेंटिस सब वीडियो आपको इस पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में भी आते हैं। साथ ही एक अंतिम क्वेश्चन 41 नंबर को हमने आपके लिए रखा है जो कि एक बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमको कमेंट करके बताएंगे आप। जिसका आंसर सही होगा उसका हम रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और इन 40 क्वेश्चंस के अलावा भी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। इसका जस्ट उल्टा मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो मोटर और जनरेटर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे, व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। एक डीसी जनरेटर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसकी दिशा डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए किस नियम का हम यूज करते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो डीसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम को, जिसमें हमारा जो अंगूठा होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन में रहता है। हमारी जो तर्जनी उंगली होती है इसका हमारा ये एक फील्ड की डायरेक्शन में रहती है, और जो हमारा मिडिल फिंगर होती है वो रहती है करंट की डायरेक्शन में। ठीक, तो ये आपका जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है ये यूज होता है डीसी जनरेटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके, मेगर, मल्टीमीटर, सीरीज टाइप ओम मीटर या केल्विन ब्रिज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है केल्विन ब्रिज। कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा भी होगा, आपने जब पढ़ाई की होगी, केल्विन ब्रिज कुछ इस तरह का होता है जिससे हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड में मे भी बारिश का साउंड आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हो रही है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हिच वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार, यानी कौन से वाइंडिंग वायर का उपयोग किया जाता है? सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर या पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। तो जब भी डीसी फील्ड कॉइल के लिए हम वाइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे वाइंडिंग वायर जो होता है क्या होता है, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होता है, कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, व्हिच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो करंट की दिशा है उसे हम किस नियम से निर्धारित करते हैं, यानी किस नियम से वो निर्धारित होती है? राइट हैंड ग्रिप रूल, यानी दाहिना हाथ पकड़ नियम, राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ भी जो राइट आंसर आपका वही है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो अभी हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे थे। तो डीसी मोटर में जो करंट की डायरेक्शन है वो भी हम किससे आजाद करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल से। भी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का जो टेस्ट करने के लिए, शॉर्ट और ओपन सर्किट दोनों में, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टॉन्ग टेस्टर, इंटरनल ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर या डिजिटल मल्टीमीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है एक्सटर्नल ग्राउलर, यानी बाहरी ग्राउलर। कुछ इस तरह का होता है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर, आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक ये लैमिनेटेड कोर होती है, यहाँ बीच में देखिए आप कॉइल होती है, इसमें हम सप्लाई देते हैं 240 वोल्ट एसी की, इसी से हम क्या करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन अ डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? ठीक, घूर्णन की दिशा हम क्यों बदलते हैं? मेंटेन रेटेड स्पीड, यानी रेटेड स्पीड बनाए रखने के लिए, मेंटेन मोटर करैक्टरिस्टिक, मोटर की विशेषता को बनाए रखने के लिए,
अवॉइड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचने के लिए, या प्रिवेंट मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे जो आर्मेचर की धारा की दिशा हम बदल के घूर्णन की दिशा बदलते हैं, उसका रीजन होता है वो है क्योंकि हम चाहते हैं मेंटेन, जो मोटर की करेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटेन रहे, मोटर की विशेषता जो है वो बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो वो जो फार्मूला होता है वो होता है आपका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स अपान कुल विद्युत डिग्री। ठीक, कुल विद्युत डिग्री क्या होगी, इस पर हो सकता है अगर न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, मे बी इस पर न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन 10 HP थ्री फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। पूरे लोड पर अगर आपको 10 HP थ्री फेज इंडक्शन मोटर को चलाना हो तो फ्यूज दर क्या होगी, फ्यूज रेट क्या होगा। तो वहाँ पे फ्यूज रेट होता है आपका 25 एम्पियर, कितना होता है 25 एम्पियर वहाँ पे आपका फ्यूज रेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ सिक्स पोल स्टेटर ऑफ मोटर। सिक्स पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। सिक्स पोल स्टेटर मोटर की जो विद्युत डिग्री होती है वो होती है, ये यहाँ पे फार्मूला होता है, इस पर आप रख के निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6/2 करेंगे 3 हो जाएगा, इंटू 360 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1080। तो 1080 डिग्री आपका क्या होगा, स्टेटर मोटर की जो विद्युत डिग्री होगी कितनी होगी, 1080 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच इज डीमेरिट ऑफ थ्री फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग। थ्री फेज कंसेंट्रिक यानी संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा जगह लेगी। अ स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड, एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता होगी। मोर डिफिकल्ट टू शेप द कॉइल्स यूनिफॉर्मली, कॉइल्स को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन होगा। या इट इज़ नॉट ईजी टू मेक द एंड कनेक्शन, अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं होगा। तो जो थ्री कला संकेंद्रित वाइंडिंग होती है उसका एक ही अवगुण है, उसमें हमें एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड। एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित किया गया, ये फिगर देख के आपको बताना है। ठीक, यूनिवर्सल मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। ये है आपका कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रोटर है इसका एक आपको हम कलर फिगर दिखाते हैं। ये होता है आपका रोटर, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक रहती है, एक आपकी मेन वाइंडिंग रहती है। ठीक, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं आपके, यहाँ पे क्या देखिए, द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हैज़ ए केज रोटर एंड इट्स स्टेटर हैज़ टू वाइंडिंग्स नोन एज मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और ये एक आपका क्या है, केज रोटर है। ये कैसा आपका हो, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच मेथड इज अडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। चार ऑप्शन है आपके, स्प्लिट फेज मेथड यानी फेज विभाजन की विधि, वायरिंग सप्लाई वोल्टेज मेथड परिवर्ती आपूर्ति वोल्टेज विधि, या रिवर्सल ऑफ इनपुट सप्लाई टर्मिनल्स इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों को उल्टा करके, या रिवर्सल ऑफ रनिंग कॉइल कनेक्शन रनिंग कॉइल कनेक्शन को उल्टा करके। तो यहाँ पे जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की विधि होती है वो होती है स्प्लिट फेज मेथड यानी फेज विभाजन की विधि से हम करते हैं। और भी दो विधियाँ होती हैं यहाँ पे, देखिए हमने पहले ही कहा था आपको थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा। एक होती है स्प्लिट फेज मेथड जो कि हमने यहाँ पे राइट आंसर किया, एक होती है सेडेड पोल मेथड, और एक होती है रिलक्टेंस स्टार्ट मेथड। ये तीन विधियाँ होती हैं जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी कौन से प्रिंसिपल पे कौन से सिद्धांत पे काम करता है। लेंज लॉ, जूल्स लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो प्रिंसिपल होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो काम करता है लेंज के नियम पे, लेंजेज लॉ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। एक यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। जेट पंप, फूड मिक्सर, टेली प्रिंटर, या कंप्रेसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फूड मिक्सर। ये है आपका एक यूनिवर्सल मोटर, इसका हम कहाँ यूज करते हैं, फूड मिक्सर में, इन चारों ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड। जो अल्टरनेटर उनको कैसे रेट किया जाता है आप सभी जानते होंगे, उनको हम किसमें रेट करते हैं, केवीए में।
ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, KVA। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। एक रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर को उपयोग करने का क्या फ़ायदा होता है? इजी टू लोकेट द फॉल्ट्स इन द फील्ड, यानी क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान हो जाता है। इजी टू कनेक्ट द लोड विद अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है। इजी टू डिसिपेट द हीट ड्यूरिंग रनिंग, दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है। या टू स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ फेजेज, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें नंबर ऑफ फेजेज कितने हो, आपको सिर्फ दो स्लिप रिंगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द रोटरी कन्वर्टर। ये एक आपका क्या है, रोटरी कन्वर्टर, इसमें जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है। कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, यानी एसी को ये डीसी में बदलेगा। रिड्यूसेस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप को कम करेगा। हेल्प्स टू डिलीवर विदाउट नॉइज, यानी बिना शोर के आउटपुट देगा। या कलेक्ट्स द डिलीवर डायरेक्ट करंट, जो डायरेक्ट करंट होगा उसको एकत्र करेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, कलेक्ट्स द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग। डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम होता है एक सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग में, क्या उद्देश्य होता है उसका? प्रोड्यूस हाई वोल्टेज टू इनिशिएट द रोटेशन, यानी रोटेशन शुरू करने के लिए हाई वोल्टेज देगा। प्रोड्यूस हाई करंट टू स्टार्ट रोटेट द मोटर, मोटर को घुमाने के लिए उच्च धारा का उत्पादन करेगा। प्रोड्यूसेस टॉर्क एंड रन्स नियर इन सिंक्रोनस स्पीड, टॉर्क पैदा करता है और तुल्यकालिक गति में चलता है। या प्रोड्यूसेस अ हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये एक नियत गति बनाए रखने के लिए क्या करता है, एक हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है, जो डैम्पर वाइंडिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। एक मोटर जनरेटर सेट का एडवांटेज क्या है? नॉइजलेस होता है यानी शोरहीन, हाई इफिशियंसी होती है, लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड यानी कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। या ऑप्शन डी है, डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। तो जो मोटर जनरेटर सेट का सबसे मेन एडवांटेज वो यही है कि जो आपका डायरेक्ट करंट का आउटपुट होगा उस वोल्टेज को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं मोटर जनरेटर सेट से। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर का आपको नाम बताना है क्या है, एम्पलीफायर का नाम क्या है आपको बताना है। ए है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, बी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, सी है आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, या डी है आपका क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो ये है आपका ऑप्शन बी, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच इज अ एक्टिव कंपोनेंट। इसमें से एक एक्टिव कंपोनेंट, सक्रिय घटक कौन सा है, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर। तो जो ट्रांजिस्टर होता है ये आपका एक एक्टिव कंपोनेंट है, बाकी ये जो है आपके ये पैसिव कंपोनेंट होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट वो होता है जिसको अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो उसको एम्पलीफाई करके वो कुछ ना कुछ हमको आउटपुट देता है, जो कि आपको ट्रांजिस्टर से मिलता है। इन केस इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर में आप कोई भी एनर्जी देते हैं या तो इसको डिसिपेट करता है या तो स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर हो गया, SCR हो गया और MOSFET हो गया। उसी यहाँ अगर पैसिव कंपोनेंट की बात करें क्या क्या है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है और रजिस्टर है। तो अभी क्लियर हो गया होगा आपको ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट क्यों है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच कोड इंडिकेट सिलिकन सेमीकंडक्टर डायोड। इसमें सिलिकन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित कर रहा है, OA79, BY126, IN4007 या 2N3055। तो जो BY126 है ये आपका एक सिलिकन सेमीकंडक्टर होता है। BY126 आप यहाँ पे लिखा भी देख रहे होंगे फिगर में, ऐसा कुछ दिखता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का इसका नाम क्या है, तो ये देख के आप समझ रहे होंगे। ये क्या है आपका, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, केबल को बांधने के लिए क्या है, एक स्ट्रैप यानी पट्टी है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर्स। तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है, सिल्क टाइज, PVC टाइज, नायलॉन टाइज या कॉटन टाइज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, नायलॉन टाइज। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। एक पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, यानी एक पैनल बोर्ड असेंबली में हम कौन सा उपकरण नहीं लगाते हैं, अवॉइड करते हैं, सेंसर, इंडिकेटिंग लैंप, आइसोलेटिंग स्विच, पुश बटन स्विच। तो आप ध्यान दीजिए, तो इंडिकेटिंग लैंप,
आइसोलेटिंग स्विच और पुश बटन स्विच, ये तीनों किसी भी पैनल बोर्ड असेंबली में होती है, उसमें हम क्या अवॉइड करते हैं लगाना, वो होता है सेंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव, एक इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होती है, इलेक्ट्रिक ड्राइव एक मोटर को नियंत्रित करने के लिए क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि क्या करती है, मोटर को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो बीओपी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। चार ऑप्शंस थे, ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। बेसिक ऑपरेशनल पैनल कुछ इस तरह का आपको दिखता है, हमने एक जस्ट फोटो डाला है आपको देखने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीओपी। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किसी ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। तो ऑपरेशन के मोड के अनुसार किसी ड्राइव को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है, चार ऑप्शंस हैं, ग्रुप ड्राइव, मैनुअल ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव या कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। तो ऑपरेशन के मोड के अनुसार ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ़ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर ISI, यानी ISI के अनुसार अगर घोषित वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट है, तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज यानी जो सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज होगा वो क्या होगा, तो वो होता है आपका 228 वोल्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, 228 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच टर्म रिफर्स दैट द मास ऑफ सब्सटेंसेस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी किस सबसे तात्पर्य है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम्ब विद्युत द्वारा मुक्त होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा आप सभी को, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। अगर किसी पदार्थ का जो इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम्ब विद्युत द्वारा मुक्त हो जाए जो द्रव्यमान, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन UPS। UPS का पूरा नाम आपको बताना है, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी निर्बाध विद्युत आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स आर यूज, जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो होते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। तो उनका यूज हम करते हैं जनरल लाइटिंग में, कंप्यूटर, टीवी रिसीवर या डीवीडी प्लेयर में उनका यूज हम नहीं कर सकते, तो कहाँ करेंगे, ऑप्शन डी, जनरल लाइटिंग यानी सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल आप सभी को पता है जो सोलर सेल में यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल, जो लाइट को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वहाँ पे हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, सिलिकन, आर्सेनिक, एंटीमनी या जर्मेनियम। तो सिलिकन यूज होता है फोटोवोल्टाइक सेल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन टाइप सिलिकन है, पी टाइप सिलिकन है, एन और पी टाइप दोनों को मिला के क्या बनाया गया, यहाँ पे एक फोटोवोल्टाइक सेल जहाँ लाइट एनर्जी आ रही है, यहाँ पे एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है, इनके ऊपर एक निकल की प्लेटिंग की होती है जहाँ से हमारा लोड कनेक्ट रहता है। जो पॉजिटिव दिख रहा है आपको वो होल है, और जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिलिकन ही हम क्या करते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इज़ द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। इसमें पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, विंड पावर जनरेशन यानी पवन शक्ति उत्पादन, टाइडल पावर जनरेशन ज्वारीय शक्ति उत्पादन, सोलर पावर जनरेशन यानी सौर शक्ति उत्पादन या थर्मल पावर जनरेशन। तो ये सारे क्या हैं, ऊपर के तीनों आपके क्या हैं, गैर परंपरागत हैं, नॉन कन्वेंशनल हैं। इसमें कन्वेंशनल कौन सा है आपका, ऊष्मीय शक्ति यानी थर्मल पावर जनरेशन जो है आपका वो क्या है, यहाँ पे कन्वेंशनल पावर जनरेशन है। कुछ इस तरह का एक आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं कैसे होता है, स्टैक है, यहाँ से फिर बॉयलर है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें, चिमनी है, कूलिंग टावर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर्स इन अ मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर IE रूल्स। IE के नियमों के अनुसार माध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत, बी मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक, सी है मोर देन 2 मेगा ओम यानी 2 मेगा ओम से अधिक, या मोर देन 3 मेगा ओम यानी 3 मेगा ओम से अधिक। तो जो घरेलू आपके इंस्टॉलेशन होते हैं उसमें जो आपका इंसुलेशन प्रतिरोध रहता है 1 मेगा ओम से
ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओएच लाइंस। ओएच लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का आपको नाम बताना है। तो ये नाम आपको देख के बताना है, फिगर आपको दिया हुआ है कि कैसा इंसुलेटर है, पिन इंसुलेटर है, पोस्ट इंसुलेटर है, स्ट्रेन इंसुलेटर है या साइकिल इंसुलेटर है। तो ये है आपका कैसा इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर कहते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर। एक बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का कारण क्या है। अवॉइड स्पार्किंग एंड स्पार्किंग से बचने के लिए, अवॉइड कोरोजन कोरोजन से बचने के लिए, अवॉइड ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑक्साइड बनाने से बचने के लिए, या अवॉइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव से बचने के लिए। तो यहाँ पे बहुत टाइट रखना और बहुत पास रखने का पर्पज होता है कि हम स्पार्क से बचें। ऑप्शन ए अवॉइड स्पार्किंग। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ द रैपिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। एक सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, केवी में, केडब्ल्यू यानी किलोवाट में, एमवीए यानी मेगा वोल्ट एम्पियर या केवीएआर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी एमवीए यानी मेगा वोल्ट एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉल्ड अलोंग विद वायरिंग सर्किट अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। लीकेज करंट के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, ओसीबी, एमसीबी, ईएलसीबी या एमसीसीबी। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ईएलसीबी, जिसको हम बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कुछ इस तरह का आपको दिखता है, ये सर्किट्स में लगाया जाता है किसके लिए, लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41 जो कि बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में हमें ज़रूर करके बताइएगा, इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ कंडक्टर शुड हैव, एक कंडक्टर के पास होना चाहिए लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कम विशिष्ट प्रतिरोध, मीडियम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी मध्यम विशिष्ट प्रतिरोध, या सी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, और डी है एनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कोई भी विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्या राइट आंसर है, ए बी सी डी, जो भी सही है वो आपको कमेंट करके बताना है। जो भी कमेंट सही होगा उस पर हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।